कोरोना के चलते राहत भरी खबर भोपाल से आ रही है, जहां कोरोना के 7000 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 12233 लोग ठीक हो गए हैं। प्रदेश के 5 जिलों दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में कोरोना के 50 से भी कम केस दर्ज किए गए। कल प्रदेश भर में 68000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट में निरंतर गिरावट आ रही है, अब यह 11% हो गई है, तो हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 86% के आसपास पहुंच गया है। सुखद बात यह है कि 86% से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन से ठीक हुए हैं। 80000 लोग आज भी होम आइसोलेशन में हैं। उनमें 95% लोगों से रोजाना संपर्क कर उन्हें लगातार सलाह दी जा रही है। वैक्सीनेशन के द्वारा ही हम कोरोना की जंग को जीतेंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना की दृष्टि से राहत भरी खबर, हमारे मध्य प्रदेश में आज जो नए प्रकरण आए वो 7264 केस ऐसे थे जो नए आए थे। राहत भरी मैंने इसलिए कहा कि 12233 प्रकरण ऐसे थे जिसमें लोग ठीक होकर के अपने घर के लिए वापस गए। हम अगर कोरोना की दृष्टि से देखें तो 5 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहाँ नए प्रकरणों में 50 से कम केस आए हैं। उसमें ग्वालियर है, क्षमा करें दतिया है, भिंड है, मुरैना है, अशोकनगर है और गुना है। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर के कम केस आए हैं, 50 से भी कम। हम अगर देखें तो हमारे टेस्ट 68000 से ऊपर कल मध्य प्रदेश के अंदर कराए, उसके बाद राहत भरी खबर आई है। पॉजिटिविटी भी हमारी 11% के आसपास पूरे मध्य प्रदेश की आ गई है। हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के अंदर 85% से ऊपर रिकवरी रेट हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर सुखद बात ये है कि 85% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हुए, और ये जो 80000 लोग वर्तमान में होम आइसोलेशन में हैं, इनसे भी 95% लोगों तक रोज सरकार टेलीफोन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से पहुंच रही है। कोरोना की तह तक जाने की मध्य प्रदेश सरकार की अद्भुत कोशिश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान प्रतिदिन कोरोना की समीक्षा करते हैं और प्रतिदिन वो तह तक जाते हैं। ये जान के भी आपको प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में 45+ के जो लोग हैं उनको अभी तक 89,60,032 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, और लगातार ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमारी जारी है, और इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया के माध्यम से एक लोगों के अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। वैक्सीनेशन के माध्यम से हम कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। इसी तरह से मेरा 18+ वालों से भी आग्रह है कि जो अपना स्लॉट बुक कराएं वो जाएं जरूर। देखने में आ रहा है प्रदेश के अंदर कई जगह हमारे नौजवान स्लॉट बुक कराने के बाद नहीं जाते तो वो वैक्सीन ख़राब हो रही है। वो स्थान ग्वालियर से लेकर भोपाल तक है और अन्य जगह पर भी है, तो स्लॉट जो बुक कराएं वो करें। और हमने आग्रह भी किया है कि हमें वेटिंग को भी उठाने को कहें, तो स्लॉट बुक वाले अगर किसी कारण से नहीं आ पाते हैं, व्यस्तताओं के कारण से या अन्य कारण से, तो वेटिंग को लेकर के हम इनको करें। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें इस पूरे के पूरे मामले में सफलता लगातार मिल रही है और हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश हमारा मॉडल स्टेट हिंदुस्तान के अंदर बनने जा रहा है कि जिसने गांव के अंदर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए, जिनने गांव के अंदर भी लॉकडाउन लागू किया, जिनकी गांव की समितियां आज पूरी की पूरी सक्रिय हैं, और क्राइसिस मैनेजमेंट की समिति गांव और पंचायत के स्तर पर हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने बनाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।